स्टूडेंट, ओब्लीप्रेप्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पिछली बात या पुरानी बातों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप बाखूबी अच्छी तरह से जान रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में पिछले कई दिनों से हम लोग वैदिक सभ्यता पर बहस या बातचीत कर रहे हैं। वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वैदिक सभ्यता से खंड वाइज जहाँ जहाँ से जिस ढंग से सवाल निकलते हैं, सभी सवालों का उत्तर आपके सामने दिया जा रहा है। और आज की तारीख में या आज की वीडियोज़ में हम जिस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, वह है महाकाव्य। क्या है महाकाव्य? महाकाव्य के अंतर्गत दो चीज़ें विराजमान हैं, दो चीज़ें विद्यमान हैं। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाकाव्य के अंतर्गत दो चीज़ें रामायण और महाभारत, कौन नहीं जानता है। लेकिन यहाँ से हमारे और आपके लिए परीक्षोपयोगी या परीक्षा की दृष्टिकोण से सवाल किस ढंग से निकलते हैं, आइए हम परीक्षा या कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बात करें। जैसा कि आप जानते हैं, रामायण की रचना, या आप यूं भी कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हुआ करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों में रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। शुरुआती दौर में रामायण में 12,000 श्लोक हुआ करते थे। वर्तमान समय में रामायण में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 बतलाई जा रही है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। रामायण कितने खंडों में या कितने कांडों में बटा हुआ है? 7 कांड, बाल कांड, पहले कांड का नाम वाल कांड, दूसरे कांड का नाम अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड, चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। आपसे पूछा जाएगा रामायण में कितने कांडों की चर्चा की गई है? 7 कांडों की। 7 कांड आपके सामने हैं। रामायण की रचना किसने किया आपसे पूछा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि ने किया। रामायण की रचना संस्कृत में की गई। रामायण की रचना जब की गई तब उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 12,000। आज की तारीख में या वर्तमान समय में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 बतलाई जा रही है। संक्षिप्त तौर पर ये रामायण की बात हो गई, जो कि महाकाव्य का पहला पार्ट या पहला खंड हुआ करता है। आइए बच्चों, हम लोग इस बात पर बहस करें। महाभारत कहते हैं, महाभारत शुरू है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया। परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से यदि हम अंदाज लगाएं तो रामायण की अपेक्षा महाभारत से अधिक सवाल निकलते हैं। महाभारत में पर्वों या खंडों का जिक्र किया गया है। कितने? 18 पर्व या खंड। जिस तरह से रामायण में 7 कांड की बात मैंने किया, उसी तरह से महाभारत 18 पर्वों या खंडों में विभाजित है। महाभारत का जो विषय है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध। महाभारत का विषय कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध या संग्राम।
महाभारत की रचना जब की गई तब उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी, आपसे पूछा जाएगा। महाभारत की जब रचना की गई तब उसमें कुल श्लोकों की संख्या 8800 यानी 8800 हुआ करती थी। जब महाभारत की रचना की गई तब उसमें कुल श्लोकों की संख्या 8800 और जब कुल श्लोकों की संख्या 8800 थी तब महाभारत को कहा क्या जाता था, आपसे पूछा जाएगा। क्या कहा जाता था? जय संहिता। क्या कहा जाता था? जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है विजय संबंधित ग्रंथ। और महाभारत में जब कुल श्लोकों की संख्या से बढ़ करके कितनी हो गई, 24,000 हो गई, तब महाभारत को क्या कहा गया? भारत। यहां पर भारत से हमारा क्या तात्पर्य है? वैदिक जन या वैदिक काल में प्रमुख नेता भारत के नाम पर महाभारत को भारत के नाम से या भारत के नाम से संबोधित किया गया। वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर या भारत वंश के नाम पर महाभारत का नाम जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसे हम भारत के नाम से जाने। और जब महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक हो गई तब जो है महाभारत नाम से संबोधित किया गया। और महाभारत को हम सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। सरलतम शब्दों में महाभारत में जब कुल श्लोकों की संख्या 8,800 थी तब महाभारत को हम जय संहिता के नाम से जानते थे। और जब महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तब उसे हम भारत या भारत के नाम से, और जब उसमें कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक हो गई तब उसे हम सतसाहस्त्री या महाभारत के नाम से जानते हैं। आइए हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं महाकाव्य दो, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि, रामायण में 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। रामायण की बात हो गई। रामायण में स्टार्टिंग में या प्रारंभ में 12,000 श्लोक हुआ करते थे, वर्तमान समय में 24,000। जहां तक महाभारत की बात रही, महाभारत को शुरुआती दौर में या स्टार्टिंग में यानी जब उसमें 8,800 या 8,800 श्लोक थे तब उसे हम जय संहिता के नाम से जानते थे। और जब उसमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तब उसी महाभारत को हम भारत के नाम से जाने। और जब 24,000 से बढ़कर के 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक हो गया तब हम महाभारत को सतसाहस्त्री, ध्यान दीजिएगा बात पर, सतसाहस्त्री या महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। महाभारत में 18 पर्व या खंड, यानी जिस तरह से रामायण में 7 कांड या 7 खंड, उसी तरह से महाभारत में 18 पर्व या 18 खंड। और भी अगर हम इसे शॉर्ट करें आपकी परिक्षोपयोगी दृष्टिकोण से तो आपसे पूछा जा सकता है कि जय संहिता महाभारत को कब कहा गया? जय संहिता भारत महाभारत को तब कहा गया जब इसमें कुल श्लोकों की संख्या 8,800 थी। महाभारत इसे तब कहा गया जब इसमें कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक। नंबर 2 बात हो गई। और नंबर 3 आपका जो यहां से महाभारत से क्वेश्चन निकल सकता है वो ये कि महाभारत का उल्लेख सबसे पहले किस सूत्र में किया गया है?
सूत्रों के संदर्भ में इसके पहले के वीडियोज में मैं बात कर चुका हूं। महाभारत का उल्लेख या प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में किया गया है, आश्वलायन गृह सूत्र में। और महाभारत की रचना आप जान ही रहे हैं, महर्षि वेदव्यास। ये रहा आपका महाकाव्य। नेक्स्ट वीडियोज में हम आप लोगों से फिर पुनः भेंट होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।